हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशन रेडियो। तो यार कैसे हो, सब बढ़िया हो गए? और आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुशी हो रही है, क्योंकि आज यार वर्ल्ड कप चल रहा है और आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो फटाफट से वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद जाके मैच देखते हैं। एंड यार आज हम लोग करने वाले हैं फेज 5 हमारा लाइफ प्रोसेस का, और इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन की, मतलब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना यानी बाहर निकालना, और इसे हम दोनों एनिमल्स और प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बींग्स में देख लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग बेसिक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? तो वैसे ये तुमने डायग्राम देखा ही होगा, हमारी दो किडनीज होती हैं जहाँ पे यूरिन बनता है, और फिर ये यहाँ से यूरेटर से, दो हमारे यूरेटर होते हैं ये जो तार से तुम देख रहे हो, यहाँ से ये जाते हैं और यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाता है जब तक हम उसे एक्सक्रीट नहीं कर देते। अब मैंने बोला यहाँ पे ब्लड बनता है, यूरिन बनता है, तो हम लोग 10th में तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि यूरिन बनता कैसे है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है यार इससे, ये हमारी अरोटा है जहाँ पे मैंने ये लगाए हुए हैं मार्क्स, ये हमारी अरोटा है, और ये क्या करती है, ये खून को यहाँ तक लेकर आती है। अब खून में से क्या होता है, खून में से हमारा जो यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है वो इन किडनीज में फिल्टर हो जाता है, और थोड़ा सा पानी, अगर बॉडी में एक्सेस पानी है तो इसमें भी एक्सेस पानी हो जाएगा, अगर बॉडी में कम पानी है तो ये उसी हिसाब से बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे। और यहाँ पे फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस, ये देखो ये जो आर्टरी है यहाँ से आया और यहीं से वापस, सॉरी वेन से वापस चला गया, ये वेन है ये आर्टरी है, तो वैसे ये दिख नहीं रही होगी तुम्हें ये इसके पीछे से, अब क्योंकि दोनों वेन भी दोनों जगह जा रही है और आर्टरी भी दोनों जगह जा रही है, तो यहाँ ब्लड फिल्टर हो जाता है और फिर वापस निकल जाता है, और यहाँ जो बचता है यूरिन हमारा वो यहाँ से आके बाहर निकल जाता है। अब हमें यहाँ डीप में स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ फिल्टर होता कैसे है। देखो जैसे हमारी बॉडी का एक बेसिक यूनिट सेल है ना, वैसे किडनीज का जो बेसिक यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है? तो ये बेसिक जो होता है ना, इसका काम होता है फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। अभी बुक में देखोगे तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम इसको थोड़ा सा इजी करके बनाएंगे, लेकिन ठीक बनाएंगे, मतलब अगर तुम पेपर में बनाओगे तो वो गलत नहीं होगा। तो बना लेते हैं 1 2 3, ठीक है? ये हमारा बन गया। और अब देखो सबसे पहले लेबलिंग्स देख लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बार जताना चाहता हूँ कि ये सेम है। हमारे पास एक बोमेंस कैप्सूल है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, ये हमारी रीनल आर्टरी चल रही है, ठीक है? ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप है इसे कहते हैं PCT। अब इसकी फुल फॉर्म मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? PCT, तुमने PCT लिखा ना वो चल जाएगा। इसको कहते हैं, इस वाले जो कर्व है इसको कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इतना तो मेरे को भी नहीं पता था, खैर मेरे को ये फुल फॉर्म नहीं पता थी, खैर मैं यही डायग्राम हमेशा से बनाता आ रहा था और मेरे को मार्क्स भी मिल जाते थे। तो तुम लोग इस बात पर निश्चिंत रहो, ये गलत नहीं है। अब तुम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना सकते हो, ऊपर मुंह करके, लेकिन ये ठीक है, ठीक है? अब हम लोग इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो देखो अब ब्लड घुसता है, ठीक है? ब्लड जाता है इधर से फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से, इधर से वो पूरे उसमें घूमता है, ठीक है? इसके साथ साथ ही आर्टरी क्यों चल रही है, ये इसलिए चल रही है जहाँ कहीं कुछ भी बचता है, ऑक्सीजन वाटर या कोई और न्यूट्रिएंट बचता है उसको ये इसके पास से सोख ली। खैर ये तो मैंने फिर भी दूर दूर बना दी, ये बहुत पास पास होती है, ठीक है? तो इतना छोटा हो जाता है तो ऑब्वियसली खींच लेगी, जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ वहाँ से ये सक कर लेता है और आर्टरी वापस उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देती है, ठीक है? अब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, इसके साथ साथ बहुत सारे वो लग जाएंगे, ठीक है? ये तो एक न्यूरॉन है, इसके साथ एक और ऐसे ट्यूब लग जाएगी, उसके आगे ग्लोमेरुलस वुमेंस कैप्सूल लग जाएगा। तो इतना कुछ खास नहीं है, बस तुमने ये लिखना है कि ये काम क्या करता है, कैसे तो बहुत थोड़ा सा आएगा, काम क्या करता है, कहाँ यूज़ होता है और है क्या, बस इतना लिखना है अगर तुमसे डिस्क्राइब करने को बोले तो। और हाँ यार हमेशा नाम लिखा करो, नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन बताऊँ ना, तो किडनीज मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट है, क्योंकि यार हमेशा आपके पास एक ऑप्शन तो रहता है ना, जैसे ही आपको कुछ अमीर बनना हो, मतलब कुछ पैसे चाहिए हो तो खैर ऐसा करना मत भाई, ठीक है? हाँ तब कर सकते हो जब किसी को नीड हो, लेकिन वैसे पागलों की तरह मत करना, नहीं मेरे को किडनी बेचनी है। खैर हाँ वो नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, अगर तुम चाहोगे कि हम उसे बनाना सिखाएं इजी वे से तो देख लेना यार, बता भी दूंगा, अभी देख तो लिया ही होगा तुमने। और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, एक ही आता है, एक नेफ्रॉन आता है और न्यूरॉन आता है, इसकी फंक्शनिंग भी देख लेना, ठीक है? मतलब कौन सा पार्ट क्या काम करता है, और लेबलिंग तो पक्का देख लेना। अब हमने बात कर लिया ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अब थोड़ी सी बात यार प्लांट्स की भी कर लेते हैं। तो अभी देखो मैंने एक पेड़ का डायग्राम बनाया, हालांकि गलत है, इसकी टैप रूट्स नहीं होती, फाइबरस रूट्स होती हैं, और ये तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है? अब प्लांट्स किस किस चीज़ का एक्सक्रीट करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, पहला क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है? तो ऑक्सीजन
दूसरा क्या हो सकता है, वाटर, ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, कुछ उनके न्यूट्रिएंट्स या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो उन्होंने एक्सेस में ले ली और ज़रूरत ना हो। अब देखो वैसे तो पहले बता दिया लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, मान लो स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा से CO2 अंदर आई, ठीक है, वाटर और सनलाइट क्लोरोफिल उसके पास पहले ही था और उसने ऑक्सीजन बना के रिलीज़ कर दी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या थी, वाटर। अब वाटर कैसे रिलीज़ होगा, देखो मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये 6 दिन का स्टोमेटा का खुला हुआ है, तो यहाँ से हीट आएगी, सनलाइट आएगी या कुछ भी आएगा और ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये जो इसका वेस्ट वाटर था वो इसने इवेपोरेट कर दिया, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब इसके अलावा ट्रीज़ या प्लांट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे अगर तुमने देखा हो कभी तो गम या रेजिन्स की फॉर्म में ना वो अपने जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं या उन्हें नहीं चाहिए होते हैं वो स्टोर कर देते हैं बाहर, अपने ट्रंक से बाहर करते हैं हमेशा, कभी अंदर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो चाहिए नहीं ना अंदर। और लास्ट चीज़, मान लो कुछ और चीज़ें हैं जो उसे नहीं चाहिए, हम लोग एक्स वाई ज़ेड मान लेते हैं, तो क्या करेगा वो एक लीफ में सब कुछ स्टोर कर लेगा और फिर एंड में क्या करेगा, जब वो लीफ भर जाएगा उस लीफ को शेड कर देगा। तो इसी के साथ यार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, अब तुम जाके आराम से सो भी सकते हो। अगर तुम्हें नेफ्रॉन का और ज़्यादा कुछ जानना हो तो यार कमेंट कर देना, और कोई चैप्टर भी तुम्हारे दिमाग में हो किसी भी उसका, किसी भी सब्जेक्ट का, तो मेरे को बता देना यार, हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे वो करने की, और 90% है कि मैं बना भी दूँ वीडियो। और दूसरी चीज़ कि अब मुझे मैच देखने जाना है, और तुम भी जाओ यार मैच देखो, और हम लोग मिलेंगे कभी और, जब भी तुम्हारा कोई कमेंट आएगा और कोई मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोलेगा तब, और तब तक के लिए बाय।